हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एबीसी कंपटीशन में स्वागत है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और सबको नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। बाकी का आज हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं त्रिभुज ट्राइ एंगल, जिसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिनने के बारे में क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो जिसमें आपको हर एग्जाम में प्रबल संभावना होती है एक या दो क्वेश्चन आने की। तो आज का वीडियो ध्यान से देखें और अंत तक देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप कम से कम एक एक ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो है, आज आपको बताने जा रहे हैं हम राइट एंगल यानी त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज सिंपली सब समझ लेते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप आपको यहाँ दिख रहा है त्रिभुज कितना है, एक है ना, इसका आंसर एक हो गया। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है कि त्रिभुज एक और एक, एक ये है दो और एक ये पूरा हो गया तीन। तो आपको हम ट्रिक बता देते हैं इसका सिंपली तरीका कि आपको क्या करना है, एक और दो टोटल जोड़ेंगे तो तीन है, यानी इसका आंसर कितना हो गया, तीन हो गया। ठीक, इसी प्रकार एक दो तीन यानी एक प्लस दो प्लस तीन बराबर छः, यानी इसका आंसर कितना हो गया, छः हो गया। इसी प्रकार इसका एक दो तीन चार, इसको सबको जोड़ लेंगे अपन, एक दो तीन और चार, तो ये टोटल हो गया आपका कितना, दस। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, दस हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अपन टाइप नंबर टू के बारे में देखें कि टाइप नंबर टू के जो सवाल हैं वो किस तरह से आ सकते हैं आपके पास। तो ये तो आप बता ही देंगे कि एक है इसका आंसर। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितनी आंसर है आपके पास, एक एक है और कितनी बनना है आपको, एक आपको दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज जो है दो, यानी टोटल दो त्रिभुज बनेंगे इसमें। इसी प्रकार यहाँ देख लेंगे आप, एक दो और तीन, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई इसमें। इसी प्रकार यहाँ एक दो तीन चार, तो टोटल त्रिभुज होगा तीन छः और एक दस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आपका ये वाला टाइप नंबर टू का। इसी प्रकार अगले टाइप, और अगर आपको अगर ये गिनना है तो आप गिन भी सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक एक ये पूरा हो गया आपका, है ना, और एक ये हो गया दो है। इसी प्रकार एक ये हो गया, एक ये होगा दो और एक ये होगा तीन, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर फोर्थ के सवाल, तो ये सिंपल सा तरीका है ये सवाल करने का और आपको मजा आएगा इस तरह के जो सवाल करने में। तो इस तरह के जो सवाल है आप देख सकते हैं, ये सवाल है आपको मैं अभी बता चुका था, इस तरह का एक और आकृति है, ये एग्जाम में प्रबल होती है संभावना इस तरह की आकृति आने की। तो वन और टू, वन और टू कितना हो गया, ये हो गया आपके थ्री। तो इसी प्रकार से वन और टू ये अपन टोटल कर लेंगे ऐड, तो ये हो जाएंगे आपके कितने, टोटल छः, यानी आपके कितने होगा त्रिभुजों की संख्या, छः हो गई। तो अगर आप गिन के देखेंगे तो एक एक ये हो गया दो और एक ये पूरा तीन, इसी प्रकार से एक दो और एक ये पूरा तीन, तीन और तीन छः, ऐसे यहाँ आप कर लेंगे एक दो और तीन, टोटल कितने हो गए, एक दो तीन, टोटल छः, एक दो और तीन, तो एक दो और तीन टोटल छः, टोटल बारह, यानी बारह इसमें हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार यहाँ देख लेंगे आप टाइप नंबर फोर्थ के सवाल, वन टू थ्री, वन टू और थ्री टोटल होगा सिक्स, वन टू थ्री, इसी प्रकार से जहाँ ऐड कर लेंगे सिक्स, वन टू थ्री, तो ये वन टू थ्री और ये सिक्स, तो ये टोटल हो गए आपके एटीन, है ना। तो ये इस तरह के जो सवाल है वो प्रबल आते हैं एग्जाम में। अगला देखिए दूसरा सवाल है आपके, एक दो तीन चार, यानी वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर टोटल दस, इसी प्रकार से जहाँ हो जाएंगे आपके वन टू थ्री फोर, टोटल दस, वन टू थ्री फोर, वन ये भी हो गए आपके दस, तो टोटल कितने हो गए आपके,
30 कितने हो गए आपके यहाँ त्रिभुजों की संख्या 30, और इसमें कितनी हो गई आपकी 18। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 5 के सवाल कराने बताने वाला हूँ मैं आपको। टाइप नंबर 5 में जो सवाल है वो अच्छे हैं, जो अच्छी आकृतियाँ आने की प्रबल संभावना है आपकी। तो यहाँ आप जो देखेंगे तो 1 2 3, तो आपको ये तीन तो दिख ही रहे होंगे, तो 3 और 1 ये पूरा 4, ठीक है, और एक ये वाला ले लेंगे अपन, कितना हो गया 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 5। इसी प्रकार 1 2 3 और 1 ये पूरा 4, इसी प्रकार से 1 2 3 और 1 ये पूरा 4, और एक ये वाला, तो ये कितने हो गए आपके पास 9, ठीक है। यहाँ अपन वही देख लेंगे 1 2 3 4, यानी टोटल 4 पूरे, इसी प्रकार से 1 2 3 4, है ना, टोटल 4, 1 2 3 और 1 ये पूरा 4, 1 2 और 3, यानी ये भी 4 हो गए आपके, और एक ये वाला ले लेंगे तो कितने हो गए आपके पास 13। इसका आंसर जो रहेगा वो 13 रहेगा। अगर ये यहाँ भी वही बात करें अपन, तो 1 2 और 1 ये पूरा, जो अभी ऐड करके बताया था मैंने आपको, 3, है ना, तो 3 तो ये होगा, 1 2 और 1 ये पूरा 3, 3 ये होगा, तो ये आपके पास कितने हो गए अभी 9 हो गए, ठीक। 9 के बाद आपको लेंगे आप एक ये हो गया 10, ठीक है, 10 हो गए आपके पास। अगला जो है ये कौन सा हो गया आपका, एक ये पूरा हो गया, है ना, तो ये आपके पास आंसर कितना हो गया 11। इसी प्रकार यहाँ देख लो 1 2, टोटल 3 हो गए, इसी प्रकार ये हो गए 1 2 3, ये हो गए 1 2, यानी टोटल कितने हो गए 9, ये 9 हो गए आपके पास, ठीक है। अगर अपन यहाँ बात करें, यहाँ देखें आप ध्यान से, 1 2 3 और 1 ये पूरा 4, तो 4 इसमें जुड़े होने रहेंगे, ठीक है, और एक ये हो गया आपके पास, ठीक, और एक ये पूरा हो गया, तो ये अपन जोड़ के देखते हैं कितने होते हैं, 10 और 4 14 और 1 15, तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास 15 आंसर आ जाएगा, है ना, तो मजा आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। देखते हैं अगले टाइप नंबर 7। देखिए अगली आकृति की बात करें अपन, अगली आकृति टाइप नंबर 7 में सवाल कराने वाला हूँ मैं आपको, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी ये आकृति जो है आपको एग्जाम में प्रबल संभावना है आने की। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ये 9 आकृति दिख रही होंगी, ठीक, आप ध्यान से देखें तो ये दिख रही है आपको, एक ये दिख रही है आपको, और अगर बात करें एक ये दिख रही, और एक अगर बात करें आप पूरी ये एक आकृति ये दिख रही है, तो ये आपके पास कितनी आकृति हो गई टोटल 13, यानी आपको त्रिभुज कितने बना सकते हैं आप 13। अगर ट्रिक से सवाल करें यही वाला सवाल, तो ट्रिक देख लें आप, यानी सबसे अच्छी ट्रिक है ये आपके पास, यानी आपके पास कॉलम सममित होने चाहिए, यानी बराबर कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी जो गैप है कॉलमों का वो बराबर होना चाहिए, यानी जो दिखाया गया है, तो 1 2 3, ठीक है, तो आपको यहाँ एक लिखना है ना, तो एक में आपको कितना जोड़ना है 2, तो ये कितने हो गए आपके पास 3, ठीक है ना, 3 में आप फिर 3 जोड़ेंगे ये वाले, तो आपके पास कितना होगा टोटल 6, तो ये टोटल जो हो गए आपके पास ये कितने हो गए 10, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह की जो ट्रिक है, तो आपको ये वाली जो संख्या है इसे छोड़ना है, फिर ये वाली लेना है, ये छोड़ना है, ठीक है, तो आपको 3 लेंगे तो ये टोटल कितने हो गए आपके त्रिभुजों की संख्या 13 हो गई। इसी प्रकार यहां देख लेंगे अपन ट्रिक से,
वैसे गिनेंगे तो आप बहुत सारे त्रिभुज बन जाएंगे यहाँ ट्रायंगल। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो आपको यहाँ कितने बनना है टोटल, एक कोने पर चार, तो एक दो तीन चार इस तरह से लिख लेंगे आप। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक यहाँ लिखेंगे, एक में दो और जोड़ लेंगे तो ये आपके पास टोटल तीन प्राप्त होगा, है ना। तीन में तीन और जोड़ लेंगे तो कितने होगा, छह होगा। छह में चार और जोड़ेंगे तो आपके पास होगा दस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, टोटल कितने हो गए आपको, दस और छह सोलह और उन्नीस और एक बीस, ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक, अब आपको क्या करना है, बीस में पहली संख्या छोड़ना है, जो कि मैंने इस सवाल में भी आपको इस क्वेश्चन में भी बताया था। दूसरी लेंगे आप यानी छह लेंगे, फिर ये वाली संख्या छोड़ना है यानी तीन छोड़ेंगे, फिर अगली लेंगे, तो टोटल जो होंगे आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसमें, सत्ताईस। इसका आंसर कितना होगा आपके पास, सत्ताईस। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं आपके साथ, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस से अपनी सुरक्षा करें। ठीक है, गुड नाइट।